पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट काफी इम्प्रूवमेंट बता रही है। और आप लोग कौन हैं? ये मेरी बहन है, इसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ए, ले चलो इसे। हाँ? टकले, पागल हो गया है क्या? ये अभी तक कोमा में है। चुप! ए भाई, ये ठेला नहीं है जो घसीट रहा है, इलाज चल रहा है। हम लोग के ट्रीटमेंट में टांग मत अड़ा, हमें भी इलाज करना आता है। पेशेंट को ले जाओ। तो मज़ा डोकर था तो फर जा तो उसका तो पैकअप पैकअप पैकअप। ये लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में जोर से मार रहा है, लेकिन पटेगी नहीं। पटेगी भी और पतंग कटेगी भी। तू काय करू क्या भाई? माफ करना, लगता है अब डोंगरी मेडिकल से पास आउट है, गलती हो गई। चमड़ी है गोरी, यही चमाजी छोरी। आ गया मेरे सपनों का शहजादा। उसने अपने दिल के वार्ड में खाट बिछा दी रे। मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वजम, ओम मंगलाय पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। आगे हाथ रखिए। ओम शांति शांति शांति। उसे अंदर काय को आने दिया सर? बहुत चालाक है, मीडिया को साथ लेकर आया। समझा, अभी कुछ नहीं कर सकते। एक बार तेरी बेटी की डोली उठ जाए फिर उसकी अर्थी उठाएंगे। यस सर। हेलो, बॉस को फोन दीजिए। ओके, होम सेक्रेटरी का फोन आया, कुछ अर्जेंट बात करने का है। जल्दी बोल। सर, रवि का दोस्त फार्म हाउस पहुंच गया और हमारे एमएलएस खरीद रहा है। सर जल्दी कुछ कीजिए वरना आप सीएम नहीं बन पाएंगे। वो 20 देंगे तो हम 30 देंगे। लौटे सेले, जापान भी फेले, एक एक एमएलए का 30 करोड़। से जो पैसे लुटे थे उसी से वो एमएलए खरीद रहा है और वो सारे बिकने के लिए तैयार है सर। रोकड़ा दूंगा रोकड़ा, बोलो कौन कौन बिकेगा, आज रोकड़ा कल उधार। जल्दी आइए सर, वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी। वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ये हमारा गेम पलट देगा, सारे एमएलएस खरीदने वाला है। मेरे लिए ईगो से बढ़कर कुछ नहीं। ये यहाँ से हिले तो इन दोनों को मार देना, मैं वहां जाके देखता हूँ। ठीक आज जल्दी से फार्म हाउस चल। आओ काका, आओ आओ, थैला भर के दूंगा। आओ। ए, इधर कहाँ जा रहा है? शॉर्टकट है सर। Thank you.
जब हम एमएलएस को खरीदना शुरू करेंगे तो होम मिनिस्टर उन्हें रोकने आएगा। आप सिर्फ उनका रास्ता बदल देना और हम उनकी गाड़ियों में अपने ड्राइवर्स बिठा देंगे। गुड आइडिया। ओके नेताओं ने देश को खोखला किया है। तूने मेरा ही गोहट किया है, मेरे साम्राज्य की बुनियाद हिला दी है। मुझे पावर चाहिए। पावर लोगों को लूटने से नहीं, उनकी भलाई करने से मिलती है। और कितना पैसा चाहिए तुझे? अनलिमिटेड, अंबानी से भी ज्यादा। पैसों पर सोना चाहता हूँ। इस देश का सबसे अमीर आदमी बनना है। अबे खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएगा। गरीब जनता की सेवा कर, उनका प्यार ही असली प्रॉपर्टी है। मैं पैसे से सब खरीद सकता हूँ। पच्चीस हजार की गन और 25 रुपए की गोली जब घुसेगी तो तेरी प्रॉपर्टी कुछ काम नहीं आएगी। कहाँ है तू? भैया मैं आपके बहुत पास हूँ, अपने राइट में देखो ना। ए, नीचे आ जा। हाँ हाँ, फोन रखो, आता हूँ। भाड़े के कितने मजदूर लाया बे? 50 में एक कम है। पर तुझे दुनिया से कम करके जाएंगे। तेरे अंदर विलन वाली आग देखकर मेरे को बहुत डर लग रहा है। एक तोड़ू फोड़ू ऑफर दूँ? क्या ऑफर है, क्या ऑफर है, जल्दी बता बता। 2 करोड़ की कड़क नोट देता हूँ, सबको लेकर केदारनाथ चला जा। मुझे दूध पीता बच्चा समझा है? नाटक चल रहा है यहाँ पे? उल्लू का पट्टा, तू जानता मैं कौन हूँ? विलन का छोटा भाई हूँ मैं। तुझे क्या लगता है 2 करोड़ के लिए अपने भाई को मरने छोड़ दूंगा? मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। कितने का मुंह फड़ा? पूरे 100 करोड़। ए, दारू पी क्या है क्या? ये सब आप ही से तो सीखा है भैया। मिनिस्टर भी आप बनो, बैंकॉक जाके अय्याशी भी आप करो, पैसा भी आप ही कमाओ। मैं क्या ओनली छक मारने के लिए हूँ? दाढ़ी तेरे पे सूट करती रे, ऐसे च रखना। मेरे पैसे पहुँचा देना। चलो बच्चों। उसने ऐसा क्यों किया? तेरा भाई है, पीठ पे खंजर भोगा। तूने भी तो यही किया, पैसों के लिए भाई का सौदा किया। तूने भी तो पैसों के लिए बाप को मारा। ऐसा तूने क्यों किया? तो फिर मैं और क्या करता? दिल में गुस्सा भरा था, बस यही डर लगता था कि बिना पैसों के एक दिन भूखा मर जाऊंगा। तब विक्रम बहुत छोटा था, लोगों की जूठन खाकर किसी तरह हम अपना पेट भरते थे। नफरत हो गई थी इस समाज से। तू भी अनाथ, मैं भी अनाथ, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं। आज हम उसी समाज के बीच खड़े हैं। तूने पैसों से खरीदना चाहा और मैंने लोगों को प्यार से जीत लिया। ये देख, मेरा इन्वेस्टमेंट दिन रात मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तेरे पास कौन है? लोगों को प्यार से जीतना सीख, बंदूक की नोक पर नहीं। बाप की कमाई नहीं टिकती। आज तेरा बैंक बैलेंस क्या है? 0। अंडा, आज तो फिर कंगाल हो गया बापू। अनलिमिटेड पाप किए तूने।
तेरे पापों की बाल्टी लबालब भर चुकी है। अगर सबने मिलकर एक एक लाफा भी मारा ना तुझे तो यमराज से मिलेगा तू। अब बोल डायरेक्ट जाएगा कि वाया वाया, टिकट कैंसिल नहीं होगा। तुम्हारे भाषण के झांसे में आकर लोगों को लगता है कि उनकी तकलीफें कम होगी, लेकिन वोट लेकर तुम उन्हीं को चोट पहुंचाते हो। भैया मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। बस कोर्ट के सामने अपने गुनाह कबूल कर लो, गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता।